जन वितरण प्रणाली सरकार की एक ऐसी योजना है जिससे करोड़ों घरों के चूल्हे जल रहे हैं। देश में कितने लोगों को इसी से मिलने वाले राशन का सहारा है और इसी के बदौलत वह अपने पेट की आग को ठंडा करते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए जीवनदायिनी योजना उस परिस्थिति में विफल हो जाती है जब इसको संचालित करने वाले ही इसमें अपना स्वार्थ ढूंढने लगते हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं पीरटार प्रखंड की नावाड़ी पंचायत के अंतर्गत ग्राम घोरबाद और चंपा नगर की राशन लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह नावाड़ी को 19 नॉट चंपा नगर के पविंद्र किस्कू का जन वितरण प्रणाली दुकान लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह के यहाँ संबद्ध कर दिया गया है, जिसमें काफी घोटाला हो रहा है। लाभुक का कहना है कि हम 2-3 माह से राशन नहीं मिला है और जब हम राशन लेने जाते हैं तो डीलर बोलता है कि आज देंगे कल देंगे, लेकिन जब देने का टाइम आता है तो बोलता है अनाज खत्म हो गया। साथ ही लाभुकों ने यह भी बताया कि दुकान कहीं पर है और मशीन कहीं और ले जाकर मशीन में ईंट पत्थर लगा के फिंगर लगवा लेते हैं और राशन नहीं देते हैं। कार्डधारी जब अपना राशन उठाने गए तो डीलर कहीं भाग गया, जिसे लाभुक काफी आक्रोशित में हो गए और डीलर के घर को घेर लिया। हालांकि लाभुकों ने मुखिया और पंचायत समिति की मदद से अपना आवेदन भी दिया। अब देखना यह है कि क्या कुछ एक्शन लेती है जनप्रतिनिधि और प्रशासन, क्या होगा न्याय या बंद कर दिया जाएगी उनकी आवाज को। ठीक है, हम बात करते हैं, आगे बात करके बताते हैं। चार खतरे आलिए ना देव करे, चार 3 महीना समय चार ना देव करे, काहे ना दे रहे चार ना देव करे, कह करे हम सोनिक चार ले ना हो हम उठा ले, उठा उठा ले, हटा पकड़ तो लगा दे वहां कटवा दो, दो बेर चार हम ले उठा ले के यार, चार ना दे रहा है 3 महीना से हम नहीं दे रहा, हटा पकड़ तो उठा के तोल ले, उठा के अंगूठा लगा ले, चार ना दे हमनी के, चार हमनी के केवल दबो रेशन टूटी समय चार न दिलिये, भूख मर रहा है तो डीलर हो कि ना हो ना हो डीलर कहा भाग गया, यहाँ दुआर पर बैठल गया डीलर है ना, डीलर ना पाइप कर रही है, बहुत ना पाइप कर रही है डीलर की कहाँ गए, कहाँ गए ना पता हो, तो कोई किया चिड़की गए कोई गलो भाग गए कोई किया कहाँ गए ना हो पता ना जाना ही उसने कोई देख करिए कुछ कार्रवाई होना चाहिए कुछ कार्रवाई अब ऊपर से अब हमने चार चाहिए हमने चार फूल महीना चार चाहिए 3 महीना चार हमने रुकल है हमने फूल चार चाहिए 3 महीना के हमने भूख मुर्गा में कहाँ थी कमाई ले रही चार चाहिए हमने 3 महीना फूल हमने क्या कुछ उपाय करे चाहिए ऊपर से सरकार हमने कुछ दिए चाहिए ना तो तभी भूख मरबे अभी हमने दिए चाहिए चार 3 महीना से हमने चार रुकल है जैसा कि हम लोग बात किए इनसे तो इन्होंने काफ़ी गुस्सा दिखाते हुए कहा कि हम लोग को 3 महीना से चावल नहीं मिला है और सुबह से इन लोग आई है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, और भी लोगों से हम बात करेंगे, उन लोग से भी जानेंगे कि क्या कुछ करेंगे। चंपा नगर से कब आए हैं? बिहान 10 बजे किसी से पूछे है तो वो भी पता नहीं है, बोलता है कि कहाँ ने कहाँ चला गया है हमको पता नहीं है। कब से नहीं मिला है आपको चावल? 3 महीना 3 महीना से चावल नहीं मिला है और आप लोग क्या चाह रहे हैं कि क्या करना है आगे? क्या करना है, हमको चावल चाहिए।
तीन महीना का चावल और ये डीलर हटाना है दसर डीलर पर। कहाँ कौन सा डीलर के पास लेके जाइए? मैंने घरबाद वाला चाहे चंपा नगर के। आपको भी तीन महीना से नहीं मिला? हाँ तीन महीना का मिला था। दो तीन दिन बाद में दे देगा, फिर एक दिन लमता एक दिन में 10 बजे बांटता तो चौरा खत्म हो जाए घूर का चल जाए। दो तीन महीना से नहीं दिया, कुछ नहीं कि काहे नहीं दिए, दो तीन महीना उसके बाद। तो और भी बाकी जगह में भी ऐसा ही होता है कि सिर्फ यहीं पे यहाँ ऐसा हो रहा है? सर जगह काफी गुस्सा जताते हुए कह रहे हैं कि चावल चाहिए तीन महीने का, जैसा भी होगा तीन महीना का पूरा कंप्लीट करना चाहिए। और तब तक के लिए आप बने रहे, हम जनप्रतिनिधि लोग से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। मैं सुंदर किशोर नवाड़ी पंचायत का मुखिया हूँ। अच्छा जी, जैसा कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ आज चावल वितरण के और लेकर के काफ़ी समस्या आ रही है, लोग काफ़ी आक्रोश है, फिर आप क्या कुछ कहेंगे? इसमें यही कहेंगे कि डीलर जो चावल तीन महीना से नहीं दिया है, ये करदारी से पूछे तो पता चला कि तीन महीना से चावल नहीं दिया है डीलर, तो इसमें तो कार्रवाई होना चाहिए डीलर के ऊपर। तो क्या कुछ एक्शन करना है लेना? एक्शन लेना है ही, अगर यहाँ से नहीं होता है तो प्रखंड जाएंगे, अगर प्रखंड से नहीं होता है तो जिला तक जाएंगे करदारी को, फिर भी चावल न्याय को करदारी को न्याय दिलाना है। धन्यवाद।